सबको राधे 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 गुरु जी, राधे 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 गुरु राधे राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग वैदिक पढ़ाएंगे। आज मोबाइल वाली वीडियो किसी ने देखी या नहीं देखी? जो कल की क्लास की वीडियो डाली है, हमने किसी ने देखी? देखी थी सर। आपने? बस एक व्यक्ति ने, और किसी ने नहीं। देखी। और जब हम नहीं डालते थे तो हर आदमी कहता था वीडियो दो वीडियो दो। हमारे संसार में एक नेचर बन चुका चर्चा का, क्रिटिसाइज का। हम फिर मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं। मैं ये सब आध्यात्मिक विषय, ज्योतिष एक आध्यात्मिक कार्य है। जो हम संसार को दे रहे हैं वही हमें मिल रहा है। जो दुख हमें मिलता है वो ग्रहों से नहीं, वो हमारे कर्मों से ग्रहों का निर्माण होता है। जब हम दुख भोगते हैं तो हम परेशान होते हैं, और जब आनंद लेते हैं किसी को कष्ट देने का तो बड़ा अच्छा लगता है। बस मैं एक ही बात कहूंगा आप सबको, अपने कर्म आचरण विवेक को सुधारो। जब हम एक टीचर बन जाएंगे तो हम एक टीचर बन जाएंगे जो भगवान का दर्जा है। भगवान ने ये दर्जा एक ज्योतिषों को दिया है, जिससे वो उस विशेष व्यक्ति के बारे में अच्छा बुरा बता सके। अपने पे लागू करने का प्रयास मत करें, उस ज्ञान को सीखने का प्रयास करें। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी ऊंचाइयां बढ़ती जाएंगी। पर एक ही बात कहूंगा, फिर एक बात कहूंगा दूसरी बात। फ्री में ली हुई हर चीज राहु का अधिकार होता है, राक्षसों का अधिकार होता है। जो जो लोग जब कहते हैं कौन देख रहा है कौन बोल रहा है, दोस्तों ये हमारा और आपका सोचने का तरीका है। उसी हिसाब से हमारे नेचर बन जाते हैं। जैसे हमारे नेचर होते हैं वैसे ही हमारे संतान के नेचर होते हैं। और जब वो बुरा कुछ कर्म करते हैं तो हम उनको दोष देते हैं। दोष उनका नहीं, तुम्हारे कर्मों का है। तुमने परवरिश की इस तरह के कही है कि उनका वो नेचर बता है। उन्हीं सब आधारों को हम ज्योतिष के द्वारा जानते हैं कि हमारे द्वारा ऐसे कौन से कृत्य हुए थे जिनसे हमें आज ये परिणाम भोगने पड़े। अब मैं जो आपको वैदिक ज्योतिष पढ़ाने की शुरुआत द्वारा से कर रहा हूं, बिल्कुल द्वारा से, क्योंकि वैदिक ज्योतिष बहुत बड़ी है। हम इस का टॉपिक अगर हम इन क्लासों को पूरा फुलफिल कर लेंगे तभी हम आगे चल पाएंगे, और इसमें तो सालों भी लग जाएंगे। और पढ़ना पढ़ाने वाले पे डिपेंड नहीं करता, पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है कि उसकी कितनी लगन है उसे। और दूसरे सेशन में हम एक लोशो ग्रिड की और वैदिक की कुंडली लगाएंगे। आज मैं वैदिक ज्योतिष की शुरुआत कर रहा हूं, थोड़ा सा अपने दिमाग को फ्री कर दें और तथ्यों को जानने का प्रयास करें। देखिए ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष के तथ्य एक अनेक है, और इसको पढ़ाने और समझाने के भी तरीके अनेक हैं। आज मैं आपको जैसे जैसे पढ़ाना शुरू करूंगा, मैं सबसे कहूंगा आज मैं एक लोशो ग्रिड की और वैदिक की कुंडली भी लगाऊंगा। जो लोग आना चाहे आना स्वागत है, ना आना चाहे मत आना, वो मैं वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा आपको, क्योंकि मेरा कर्म तो आपकी सेवा करना है। क्योंकि आप मेरे सब गुरु हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी इज्जत करते हुए आपके लिए काम करूं, क्योंकि मैं आप सबका नौकर। ठीक है, तो आप सेकंड सेशन में आए या नए, कोई फर्क नहीं। लेकिन आज से मैं जो शुरुआत कर रहा हूं इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास, थोड़ा सा। ज्योतिष का एक, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक महत्वपूर्ण विषय है। वेदों में ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ज्योतिष में नेत्र चक्षु को उपाधि दी गई है। जो देखने की क्षमता रखता है उसे उपाधि दी है ज्योतिष के अंदर।
जो देखिए ज्योतिष कुछ नहीं, ज्योतिष देखती है जैसे आप आंखों से देखते हैं। क्या मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, आप किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति पे डंडा मारते हुए देख रहे हैं तो क्या आपकी आंखें डंडा मारने से रोक सकती हैं? आपकी आंखें इंडिकेशन कर सकती हैं कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति को डंडा मार रहा है। इसी तरह से ज्योतिष, ज्योतिषी कुछ नहीं कर सकता, ज्योतिष मात्र आपको ये सलाह देता है कि वो आपके डंडा मार सकता है, आप उस डंडे से बच गए। इन बातों को समझे। मैं हाफ टाइम पढ़ाऊंगा वेदिक को, अच्छे से समझाओ, सब समझे। ज्योतिष में पराशर ऋषि का नाम भी आता है, जिन्होंने अपने अनुभव में ज्योतिष का विश्लेषण करके ज्योतिष के विषयों में सभी ग्रहों का महत्व को समझाया है और उनके अच्छे बुरे परिणामों का विश्लेषण उपाय सहित क्या है। हम 5,000 सालों की पुरानी परंपरा को आज भी ढोते आ रहे हैं। जैसे जैसे समय बदल गया, जैसे जैसे प्रकृति ने सब कुछ बदल दिया, जैसे जैसे युद्ध होते थे कल भी और आज भी होते हैं, युद्ध करने के तरीके बदल गए, परिस्थितियां बदल गई, लेकिन हमारी ज्योतिष भी वही की वही है। जैसे युद्ध काल होते थे, युद्ध आज भी होते हैं, पहले युद्ध ईंट पत्थरों से होते थे और आज युद्ध मिसाइलों से होते हैं। क्या पलटा? युद्ध होना बंद नहीं हुआ। अगर बंद हुआ है तो कार्य करने का तरीका बदला है। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को? ज्योतिष क्या है और क्यों उपयोगी है? ज्योतिष शास्त्रों में ग्रह, नक्षत्रों, राशि आदि के मनुष्य पे पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन शास्त्र है ज्योतिष। ज्योतिष क्या है? ज्योति मीन्स अग्नि, ईश मीन्स भगवान, भगवान का ज्ञान ज्योतिष है, ग्रहण बोधक शास्त्र है। दूसरे शब्दों में हम ज्योतिष को सामाजिक ब्रह्मांड शास्त्र भी कह सकते हैं। अनुमान के अनुसार यह 3,000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। ज्योतिष शब्द संस्कृत का मूल शब्द है। बहुत से विद्वानों ने इसे ज्योति प्लस ईश अर्थात ईश्वर का प्रकाश भी कहकर विश्लेषण किया है, समझाने का प्रयास किया है। ज्योतिष का अर्थ प्रकाश की प्रार्थना करना है, सिद्ध करता है। यह तर्क शास्त्रों की दृष्टि से भी युक्ति संगत है। ज्योतिष को भविष्य का ज्ञान करने वाला शास्त्र भी माना जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने समय समय पे अपने अपने कर्मों को, अपने विश्लेषण को अपनी अपनी भाषा के अनुसार बताने का प्रयास किया है। ज्योतिष भविष्य ज्ञान करने वाला शास्त्र ही माना जाता है। इससे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल तीनों कालों को जाना जा सकता है। प्रभु ने इस पृथ्वी पे हमें कर्म करने के लिए भेजा है और यदि हम गलत कर्म कर रहे हैं तो प्रभु ने हमें उस कर्म को सही सुधार करने के लिए भेजा है। अगर हम उसको सुधार नहीं कर रहे तो हमारे में उस जानवर में कोई फर्क नहीं है। जो जानवर कहलाता है वो उसी धुरी पर चलता है। इंसान वो होता है जो परिस्थिति के अनुसार अपने को बदल लेता है। मनुष्य के व्यक्ति स्वभाव, प्राकृतिक गुण, दोष, रोग, विकार आदि को भी ठीक तरह से जाना जा सकता है ज्योतिष के द्वारा। दोस्तों, शास्त्रों में क्या लिखा है, हमारी साइंस आज तक ये नहीं पकड़ पाई कि हमें क्या बीमारी है। समझे? हमें नहीं पकड़ पाई कि हमें क्या बीमारी है। अगर वो अपने मन को मजबूत बना ले तो मैं उसे एक्सपर्ट करने का प्रयास करूं। और आप देखना कितने लॉजिक मिलते हैं। अभी हमारी क्लास के ही हैं पूना से गणेश, और वो आते हैं पढ़ने के लिए, वो नहीं आ रहे 2-4 दिन से। कल मैंने उनकी व्यक्तिगत कुंडली देखी थी। आप विश्वास करना, जब मैंने उनकी कुंडली देखी, वो उनकी पत्नी और वो दोनों एक साथ बैठे थे, तो वो कहने लगे आज तक हमने ऐसी कुंडली नहीं देखी थी, एक एक बात हमने बता दी। उसकी पत्नी में और उसकी शादी में 9 साल का डिफरेंस था। क्या लोशो में ये बता सकते हैं जैन साहब 9 साल का डिफरेंस कैसे आ रहा है?
कई शास्त्रों में लिखा है ये। ऐसी कुंडली देखी आपने आज तक किसी की लोशो ग्रिड में? मैं अब आपको तारीखें बता देता हूं, 7/4/2022, 30/3/1977 ये कुंडली भर के आ गई, सामने आ गई। 30 भी है, 3 भी है, इनके पास 5 बार 3 आया है, 4 बार सॉरी, ड्राइवर 3 कंडक्टर 3। और जब हमने ड्राइवर कंडक्टर 3 देखा, 3 किसका संबंध है? गुरु का, गुरु का गुरु के साथ। अब हम यहां से ये अंदाज लगा सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि 3 गुरु का है, ड्राइवर भी 3 और गुरु भी 3। अब इनका 2, 5, 6 भी खाली है, और इसके बाद आपको बताऊं, लड़की की शादी में और या लड़के की शादी में अगर गुरु नीच का है, गुरु खराब है, उनके पारिवारिक संबंध रिश्ते नहीं बन सकते, उनके रिश्ते टूट जाते हैं, तलाक हो जाता है, या किसी की मृत्यु हो जाती है, या घर छोड़ जाते हैं। मैंने बताया तो इनके पास 6 नंबर भी नहीं है, 5 नंबर भी नहीं है, 4 नंबर भी नहीं है, और 2 नंबर भी नहीं है, 8 नंबर। ये व्यक्ति ईगो ग्रस्त होता है, ऐसा व्यक्ति मैं आपको समझा देता हूं। और इसकी गणना मैं आपको वास्तु के अनुसार भी आज बताता हूं, रिमेडी भी बताता हूं, उपाय भी बताता हूं। 4 नंबर मिस होने से दोस्तों, अब इनका मोबाइल नंबर इनके पास था 9811099298। अगर किसी के पास लोशो ग्रिड में कोई अंक मिस है, हमें उस अंक को, उस नंबर को अपने मोबाइल में ले लेना चाहिए, उस नंबर की एनर्जी हमारा काम करना शुरू कर, नंबर तो ठीक है। अब मैं बताता हूं, अगर 4 नंबर मिस है, 4 नंबर किसको संकेत करता है? 4 नंबर करता है साउथ ईस्ट। जिसके पास 4 नंबर नहीं है कुंडली में, जान लें। और मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं, जितने तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, अनुभव दे रहा हूं, तो इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। 4 नंबर मिस होने से पति पत्नी के सुख में कमी रहती है, घर के सुख में कमी रहती है, संपत्ति का सुख नहीं मिल पाता, लड़के की संतान होनी मुश्किल होती है, स्किन प्रॉब्लम होती है, शारीरिक कमजोरी, छाती में जलन की संभावना होती है 4 नंबर मिस होने से। अब इसको उपाय क्या करने हैं? 4 नंबर मिस होने पे साउथ ईस्ट में ग्रीन ट्री लगाएं, येलो कलर लगाएं, पूर्व दिशा में ग्रीन प्लांट लगाएं, साउथ ईस्ट में लाल रंग के घोड़े लगाएं, मांस मछली ना खाएं, रुद्राक्ष की माला पहने, तुलसी माला कंठी पहने, या माचिस की डिब्बी जेब में रखें, जो कि 4 नंबर वुड एलिमेंट का कारक होता है। 2 नंबर मिस होने से ऐसा व्यक्ति उतावला होता है, हर काम में जल्दबाजी होती है, उसका चंद्रमा खराब होता है, उसकी अपनी माता से नहीं बनती, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, आकस्मिक पति पत्नी के संबंध खराब हो जाते हैं, शादी होने में देरी होती है, स्किन प्रॉब्लम, डायबिटीज हो सकती है। 5 नंबर मिस होने से साहस में कमी, कामयाब होने में परेशानी, कारोबार में नुकसान, जीवन में उतार चढ़ाव आता है, पेट में गैस या कब्ज, रक्त या त्वचा रोग की संभावना रहती है। अब 8 नंबर मिस होने से ज्ञान में कमी, पूजा पाठ में कमी, आत्मविश्वास में कमी, आदमी ऐसा ड्रिंक भी कर सकता है, नशे का आदि, शुगर कुछ भी हो सकती है। 6 नंबर मिस होने से गुस्सा अधिक आता है, पारिवारिक सुख में कमी रहती है, ईर्ष्यालु स्वभाव होता है, झूठी शान दिखाने वाला होता है, दोस्तों से धोखा मिलता है, पेट में गैस होती है, चर्म रोग होता है। ऐसी पति पत्नी में से एक व्यक्ति संसार छोड़ सकता है। मैंने अब आपको ये बताया
ये सारी रेमेडी के मैंने उपाय बताए, मैं हर तरीके से आपकी पूर्ति करना चाहता हूं। मेरा कोई दुर्भाग्य है या मेरा कोई ऐसा कर्म है जो मेरे से कोई आपके लिए गलती हो गई, जिसका मैं पश्चाताप कर रहा हूं। अब इनकी कुंडली में 4 व 3 आया, बृहस्पति खराब हो गया। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक भी होता है, रिसर्चिंग नेचर का भी होता है, 1 दिन बहस करने की शक्ति भी होती है, वार्तालाप में भी निपुण होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचता है, लेकिन पारिवारिक जीवन इसका अच्छा नहीं होता, कंफ्यूज रहता है और 4, 5, 6 ना होने से यश कीर्ति में कमी रहती है, और 8, 5, 2 भी ना होने से ऐसे व्यक्ति पे अर्थ एलिमेंट की भी कमी रहती है, शारीरिक बीमार रहता है, और 3-3 होने से पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं बन पाते। 3 गुरु और 3 गुरु पति पत्नी जब दोनों ज्ञानी हो जाते हैं तो एक दूसरे की बात कोई भी मानने को तैयार नहीं होता। पारिवारिक जीवन इनका बेकार और एक व्यावहारिक जीवन इनका ठीक होके अपने जीवन को पास करते हैं। और मेरे भी 10 मिनट आपको लेक्चर देने में निकल गए। देखिए अब हमने क्या देखा, राहु इनका दूसरे स्थान पर बैठा, दूसरे स्थान पे बैठा हुआ राहु वाणी दोष देता है। कन्या लगन है, स्थिर लगन है, ऐसा व्यक्ति वाणी दोष होता है, किसी को भी कोई भी गलत अल्फाज बोलने में देर नहीं लगाता। उसके बाद मैं क्या देखता हूं, मंगल इनका 6ठे भाव में बैठा है। ये 6ठ लगन पहला भाव होता है, ये लगन जो 6ठा नंबर है, जो है 6 नंबर है, ये 1 नंबर काउंट होता है, इसे आप 1 नंबर मान लें। यहां से 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक लिख लें। यहां पे 6ठा नंबर होता है, ये शत्रु का, ऋण का, रोग का होता है। यहां मंगल बैठा है, मंगल जहां बैठता है वहां पे उन चीजों को खत्म कर देता है। तो यहां पे बैठने से और मंगल जहां देखता है वहां का नुकसान करता है। मंगल के यहां बैठने से शत्रु, रोग, ऋण खत्म हो जाते हैं। और मैंने क्या देखा, शुक्र इनका 7ठ स्थान में बैठा है सूर्य के। शुक्र 27 अंशों का हो गया, सूर्य 16 अंश का हो गया। यहां पे शुक्र वक्री भी है और अस्त भी हो जाएगा, जबकि 12वें घर में शुक्र उच्च का होता है। उच्च का ग्रह होके भी उसकी योग्यता नीच जैसी हो गई और इसलिए हमारे लोश ग्रिड में 6 नंबर मिस हो गया, शुक्र खराब हो गया। जब सूर्य और शुक्र मिल जाते हैं तो सूर्य शुक्र को जला देता है। केतु बैठे हैं 8ठ भाव, इसे 1 नंबर से गिनेंगे आप 12 भाव में, तो 1 नंबर जहां आता है इसे 8ठ स्थान बोलते हैं। ये सब सीखना पड़ेगा और मैं सिखाऊंगा। इस ऐसे व्यक्ति को बवासीर जैसी बीमारी होती है। लगन का मालिक 8ठ में बैठ जाता है रोग मृत्यु के स्थान पे, तो ऐसे व्यक्ति को जन्म से कोई ना कोई रोग भी होता है, बीमारी भी होती है ब्लड से संबंधित। अब गुरु बैठा है 9वें भाव में, ये पिछले जन्म में कोई ऋषि मुनि की संतान थी, क्योंकि भाग्य स्थान में गुरु बैठा है, गुरु ने इन्हें बचा रखा है। और जब मैं दिया देखता हूं 11वें स्थान पे, जहां 4 नंबर है वो 11 आएगा, और जहां 5 है वो 12 आएगा, और जहां वो 6 है वहां पे 1 आएगा। और इसके चंद्रमा शनि का विष योग बना हुआ है, जिसका चंद्रमा शनि का विष योग बन जाता है ऐसा व्यक्ति मांसपेशियों से, हड्डियों के दर्द से प्रभावित होता है, और ऐसा व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता, संतुलन बिगड़ जाता है, डिप्रेशन आता है, माता के साथ नहीं बनती, तनाव होता है। और ऐसा होने पे ऐसा व्यक्ति, अब इनकी जो राशि बनती है जहां चंद्रमा होता है वो उसकी राशि हो जाती है। जब राशि बनती है कर्क और यहां बैठता है शनि, और शनि अपने 7ठ दृष्टि से देखता है अपने ही घर को, तो ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है। अभी जो मैं बता रहा था जैन साहब, इस व्यक्ति की जिससे शादी होगी वो लड़की उम्र में छोटी पाई जाएगी। और दूसरी बात मैं समझाऊं, चंद्रमा और शनि जब एक साथ बैठे होंगे, किसी भी भाव में बैठे होंगे, ऐसे व्यक्ति के मेल हो चाहे फीमेल हो,
कहीं ना कहीं अपने से उम्र की ज्यादा मेल या फीमेल के साथ शादी से पहले रिलेशन बनते हैं, उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। जब जब लगन में शनि बैठेगा आदमी सिद्धांतवादी होगा, क्या होगा? सिद्धांतवादी। और आपको एक नई बात और बता दूं, आप मेरे भी लगन में शनि बैठा है और मेरी पत्नी की भी उम्र कम है। देखिए कितना बड़ा लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको, आप समझ रहे हैं ना? इन शास्त्रों से आपको आपको मैं लॉजिक समझाता हूं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए शनि बूढ़ा ग्रह है। क्या बोले? उसका वो भाव बिगाड़ देगा, वो घर का भाव बिगाड़। शनि जो जो होता है वो 2.5 साल एक घर में रहता है, उसकी गति धीरे धीरे होती है। जो शनि प्रबल वाले व्यक्ति होते हैं वो अपने से उनकी शादी छोटी उम्र के साथ ज्यादा होती है। ये लॉजिक देखी गई है जो मैंने आपको बताया। और अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, जैसे 3 नंबर हमने देखा यहाँ पे उनका बृहस्पति खराब हो गया, और मैं यहाँ क्या देख रहा हूं कि यहाँ पे इनका बृहस्पति भाग्य भाव में शुक्र के घर में बैठ गया, और जब शुक्र के घर में गुरु बैठ जाता है तो खराब हो जाता है। आपको पता है नहीं पता? गुरु कहता है मैं बड़ा, गुरु से मतलब 6-3 के संबंध कैसे हैं बताओ गाजी? 36 का आंकड़ा, 36 का। और ये ऐसे ही शुक्र गुरु के घर में बैठ गया, शुक्र के घर में गुरु बैठ गया, तो ऐसे व्यक्ति का 36 का आंकड़ा है और इनका जीवन एक अच्छा नहीं है। और मैंने इनकी कुंडली देखी और इनके ऊपर मैंने जो महसूस करा, काफ विष योग, इनको विष योग का निदान करवाना पड़ेगा। चंद्र कुंडली से देखा तो चंद्र कुंडली से मंगली दोष भी बन रहा है इनका, तो इसका मंगली दोष बन जाता है, उसका 2 विवाह के योग होते हैं, उसे 2 विवाह करने पड़ते हैं। अगर हम पहला विवाह वो करवा देते हैं वो, हाँ, तो उसका वो दोष कट जाता है। एक मैं कुछ समय के बाद एक ऐसी क्लास चालू करूंगा युक्तियों की, लोशो ग्रिड की युक्ति और वैदिक की युक्तियां। युक्तियों के बिना कुछ भी नहीं है। ये छोटे छोटे स्टेप से, छोटे छोटे पैसों से मैं आपको ट्रेंड कर सकता हूं। एक नक्षत्र की क्लास, नक्षत्र से कौन कौन सी बीमारी, 27 नक्षत्र है, 12 राशि के बारे में, कल 9 ग्रह के बारे में। एक मिनट, 9 ग्रहों के चैप्टर इतने बड़े हैं कि एक ग्रह को 2-2 दिन में भी समझा जा सकता है। देखिए मैंने कहता है ना, लोग कह तो देंगे जी 9 ग्रह तो पढ़े हैं, तो मैं कल 9 ग्रह के बारे में बताऊंगा, थोड़ा स्पीड से ही बताऊंगा। ये पढ़ने के लिए आपको किताब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपनी अपनी सोच। जिनके पास 3 नंबर होता है, गुरु हमेशा एजुकेशन में पैसा खर्च करना चाहते।